नमस्कार, मैं रोहित कुमार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। झारखंड की राजधानी रांची में आज लालू यादव सीबीआई की विशेष कोर्ट में पेश हुए हैं। आपको बताएं कि लालू यादव रिम्स में फिलहाल इलाज करवा रहे हैं और जेल में सजा भी काट रहे हैं, और उस दौरान जो सीबीआई कोर्ट ने उन्हें पेश होने के लिए कहा, दरअसल डोरंडा जो में जो स्कैम हुआ था, डोरंडा कोषागार से जो निकासी हुई थी, उस मामले में लालू यादव को कोर्ट में पेश करने का आदेश दिया गया था ताकि उनका बयान दर्ज हो पाए। उसी मामले में लालू यादव जो हैं वो कोर्ट में पेश हुए हैं। आपको बताएं कि जो झारखंड की राजधानी रांची है, जहां चारा घोटाला के सबसे बड़े मामले डोरंडा कोषागार से, जिसमें 139.35 करोड़ रुपए की अवैध निकासी मामले में लालू यादव को पेश किया गया है। बता दें कि चारा घोटाला के सबसे बड़े डोरंडा कोषागार मामले में जो गुरुवार है यानी कि 16 जनवरी को सुनवाई होनी है। सूत्रों के अनुसार इस मामले को में सबसे बड़े आरोपी आरजेडी के सुप्रीमो बिहार के पूर्व सीएम लालू यादव को कई सवालों का जवाब देना है। बताया जा रहा है कि लालू यादव जो हैं वो 24 साल बाद करीब 22 सवालों के जवाब अदालत को देने उनको देने होंगे। ये सवाल डोरंडा कोषागार से जुड़ा हुआ है, जहां से करीब करीब 140 करोड़ रुपए की अवैध निकासी थी, और उसमें लालू यादव जो हैं वो मुख्य आरोपी हैं। ये पूरा जो पूरा स्कैम था वो उस वक्त हुआ था जब लालू यादव बिहार के मुख्यमंत्री थे। गौरतलब है कि सीबीआई के विशेष न्यायाधीश एसके शशि की अदालत ने मंगलवार 14 जनवरी को सुनवाई करते हुए इस मामले में लालू प्रसाद यादव बयान की तारीख जो है वो 16 जनवरी निर्धारित की थी। कहा था कि लालू यादव को 16 जनवरी को कोर्ट में पेश किया जाए ताकि उनका बयान दर्ज हो पाए। तारीख निर्धारित होने के बाद अदालत ने बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा हटवार के जेल अधीक्षक को लालू प्रसाद को भेजने का निर्देश दिया था। आपको बताएं कि लालू प्रसाद यादव चारा घोटाला के 5 मामलों में आरोपी हैं, 4 मामलों में फैसला आ चुका है। चारों मामलों में 3.5 साल से 14 साल की सजा सुनाई गई है, जिसकी सजा लालू काट रहे हैं। वर्तमान में लालू यादव बीमार चल रहे हैं और रिम्स में उनका इलाज चल रहा है। तो पहली बार जो लालू यादव हैं वो रिम्स के बाहर आए हैं काफ़ी लंबे वक्त के बाद। उसके पहले ये तस्वीर सामने आई थी उस वक्त जब लालू यादव मुंबई गए थे इलाज करवाने के लिए, और तेज प्रताप की जब शादी थी तब वो पेरोल पर जब बाहर आए थे। तो ये लगभग 1 साल से ज़्यादा का वक्त हो रहा है जब लालू यादव रिम्स के बाहर हैं, उनकी तस्वीरें सामने आई हैं, और वो फिलहाल अपना जो बयान है वो सीबीआई कोर्ट में दर्ज करवा रहे हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।